आगरा में इस दफा टूट जाएगी ग्रीन और नवीन की जुगलबंदी, 5 साल खूब रही चर्चा। आगरा निकाय चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। इस दफा मेयर कोई भी बने, 5 साल चर्चा में रहे शहर के स्लोगन से ग्रीन और नवीन की जुगलबंदी टूट जाएगी। मेयर का आरक्षण बदलने के बाद से यह लगभग तय हो गया है। यह पद अब की अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में ग्रीन या क्लीन के नवीन की जुगलबंदी वाला मेयर मिलना मुश्किल ही है। इस स्थिति में शहर ग्रीन आगरा क्लीन आगरा के स्लोगन पर फिर लौट आएगा, ऐसा शहरी भी मानते हैं। निकायों में आगरा का स्लोगन चर्चित रहा है। अमूमन देश के किसी भी निकाय में ग्रीन और क्लीन की जुगलबंदी होती है। आगरा में भी पहले ऐसा था। नवीन जैन के मेयर बनने के बाद यहाँ का स्लोगन बदल गया, यहाँ क्लीन की जगह नवीन हो गया। पूरे शहर में जगह जगह बड़ी तादाद में रखे छोटे छोटे बड़े गमलों, दीवारों, साइन बोर्ड, बिजली के डिस्प्ले बोर्ड पर अब भी ग्रीन आगरा, नवीन आगरा या सिर्फ नवीन आगरा दर्ज है। 5 साल से यही स्लोगन शहर की पहचान बना हुआ है। शहर में देश के हर हिस्से के अलावा दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। इनके लिए नवीन से मतलब पुराने शहर के साथ नएपन से रहा। मेयर नवीन जैन के बारे में ना जानने वाले यही मानकर यहाँ विदा हुए। अब चुनाव के बाद यह स्लोगन नहीं दिखेगा, ऐसा शहर के लोग भी कहते हैं। कि सिकंदरा में रहने वाले सुनील दुबे का कहना है कि मेयर सीट ऐसी महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में नए मेयर के नाम के साथ ग्रीन या क्लीन की जुगलबंदी बैठ पाना मुश्किल है, इससे इस स्लोगन का रंग उतर ही जाएगा। खंडारी के मौसम का कहना है कि चुनाव के बाद शहर का अपने ग्रीन और क्लीन के स्लोगन पर लौटना लगभग तय है। नया मेयर किसी भी पार्टी का हो, वो पुराने मेयर का नाम शहर की पहचान वाले स्लोगन में शामिल नहीं रखेगा। उसका नाम जुगलबंदी में सटीक नहीं बैठेगा तो पुराने पर आ जाएगा। ऐसे में स्लोगन तो चुनाव के बाद शहर में नहीं दिखेगा।